इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कैसे आप अपने क्रोम की डिलीट की हुई हिस्ट्री निकाल सकते हो। ओके ना, बहुत सारे बोले भाई हमने तो भाई हिस्ट्री डिलीट कर दिया, अब हमारी हिस्ट्री कोई नहीं निकाल सकता, हमने क्या किया क्रोम पे, किया क्या क्या सर्च किया। अरे मेरे भाई एक छोटा सा चीज़ है जिसको आप लोग देखोगे, वहाँ पर क्लिक करोगे आपकी सारी क्रोम की हिस्ट्री आ जाएगी, आपने इस टाइम पर यह सर्च किया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रोम ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं एंड देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें सर्च की है। तो लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पर क्लियर और ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करते हैं, या तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा मतलब डिलीट कर देते, ठीक है, जैसे कि ये कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए दो यहाँ पे हिस्ट्री रहने दी है। अब देखो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लाइव में क्या करता हूँ, आपके सामने देखना मेरे भाई, आपके सामने मैं ये दोनों को यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, एक केनेवा को डिलीट कर दिया, कर दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब ये स्टोरी तुम बोलोगे भाई अब तो यार यहाँ से पूरा पूरा क्लियर हो चुका, अब हमारे फोन में कहाँ से स्टोरी आएगा। तो मेरे भाई गूगल में ऐसी भी चीज़ें हैं, गूगल ऐसी मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपको कहना क्या है मेरे भाई, गूगल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल का ये वाला ऑफिशियल एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आजकल हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहा है। ठीक है, आपको इसको कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है, सबसे पहले मैं वो वाला ईमेल लगा लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर सर्च करना है माई एक्टिविटी, देखना आप लोग अभी माई एक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, जो पहली वाली यहाँ पे आपको अलग अलग मैनेज यूर गूगल अकाउंट डेटा विथ माय एक्टिविटी ये आएगा, आपको यहाँ पे वेलकम टू माय एक्टिविटी वाली पहली जो वेबसाइट आती है ना, इसको भी आपको कर देना है क्लिक। एंड मेरे भाई जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, फाइनली आप लोग वो वाले पेज पे पहुँच जाओगे। देखो अभी आपके सामने यहाँ पे लाइव मैंने किया था, ठीक है, कोई नहीं, देखो यहाँ पे लाइव मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। ओके ना, माई एक्टिविटी सर्च किया था वो भी आ चुका है, माई एक्टिविटी भी आ चुका है, इसके अलावा डिस्कवर भी आ चुका है, इसको मैं डिलीट फिलहाल कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमने कुछ सर्च किया था, सॉरी हम लोग वापस से इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने इंस्टाग्राम पे डिलीट किया था, यूट्यूब भी डिलीट किया था, एमएस धोनी आईसीसी वर्ल्ड कप भी हमने डिलीट किया था। ठीक है, टाइम भी बता देगा, देखो 8:08 PM पे हमने सर्च किया था, यहाँ पे केनेवा मैंने सर्च किया था वो भी बता देगा। ठीक है, आपके सामने लाइव मैंने क्रोम से हिस्ट्री क्लियर किया और यहाँ पे आकर देख सकते हो जो कि मेरा सारा हिस्ट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, आपको यहाँ से सिंपल से इसको यहाँ से डिलीट कर देना है तो डिलीट होगा, बाकी मेरे भाई आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्रोम से डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट होगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे आपके जीमेल के अंदर पड़ा रहता है ये स्टोरी, आपको यहाँ से भी क्लियर करना होता है तब जाके पूरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी पता कर सकते हो, अपनी पुरानी स्टोरी निकाल सकते हो क्रोम से कि आपने क्या क्या सर्च किया है। ओके ना, अब देखो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में कुछ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे भाई मुझे पता आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, सीधा सब्सक्राइब बटन दबा देते हो, तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद मेरे भाई।